जय गुरु जी, राधे राधे फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं भी ठीक हूँ और पूजा कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम हो रहा था, शायद वो 6:30 बज गए थे। हाँ, मम्मी ने पहले पूजा कर ली थी, मैं लेट नहा के आई थी। मैं तो वो मतलब काम वाम कर रहा था, झाड़ू पोछा वगैरह, तो इसलिए मैंने लेट पूजा करी थी थोड़ी। मम्मी पहले कर चुकी हैं, मैंने दोबारा करी थी थोड़ी पूजा अपनी सुबह सुबह की। और ये मैं खाटू श्याम बाबा को तैयार कर रही हूँ। और आज खाटू श्याम बाबा का बर्थडे है, तो इसलिए उनके लिए थोड़ा सा मतलब ऐसे डेकोरेशन वगैरह की थी मैंने थोड़ी सी, तो तुलसी वगैरह फूल वगैरह से। छोटे से खाटू श्याम बाबा है इसलिए मैंने ऐसे करी थी। और आवाज़ आ रही हो तो माइंड मत करना। तो ये मैंने इस तरीके से कुछ सजा लिया है। वैसे बहुत छोटे हैं, मतलब फूल माला वगैरह, और छोटे फूल माला फूल होते हैं ना तो और ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सुंदर लग रहे हैं बाबा बहुत ज़्यादा। तो ये बस, और ऐसे ये दिए वगैरह लगा लिए, उसके बाद कितना सुंदर लग रहा है मंदिर, बहुत अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो। और यहाँ मैंने जल चढ़ा दिया है, मम्मी जल चढ़ा रही है। ऊपर से पूजा करने के बाद फिर नीचे आके पूजा करी थी हमने, तो बस उनको मैंने तैयार व्यार करा था। और आज देवठान भी है, और आज देवठनी एकादशी है, तो उसी इसलिए आप सभी को देवठान की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पूजा वगैरह हो गई है। मम्मी ने शंख 3 बार बजाया था, पर मैंने जब तक कैमरा ऑन करा तो 2 ही बार आया शंख। वैसे 3 बार बजाते हैं शंख। और मम्मी पूजा वगैरह हो गई है, उसके बाद यह अंदर वाला बेड ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि ये दोनों बाप बेटी बहुत लेट उठते हैं सो के, तो बिस्तर ऐसे ही छोड़ देती हूँ। फिर मैं ज़्यादा इस कमरे में छेड़छाड़ नहीं करती, क्योंकि उन्नति उठ जाती है अगर ज़्यादा आवाज़ करो, हलचल करो, तो इसलिए तो इस कमरे को फिर ऐसे ही छोड़ देती हूँ। पहले अपने काम करती हूँ, सुबह सुबह के जो पूजा पाठ खाना बनाना जो वो काम है वो कर लेती हूँ। इसलिए ये बेड और ये अपने जॉब पे चले गए हैं, उसके बाद मैंने सारा ये अंदर का कमरा ठीक किया है। बिस्तर वगैरह जो कंबल वगैरह थे वो तय किए हैं, और बस। और अलमारी पे मेरा सामान भी रखा है, मेरे को वो बेड में रखना है। जो डेकोरेशन का सामान है ना, फूल माला वगैरह का, वो रखा हुआ है आधा सामान। वो फूल माला वगैरह निकालूंगी ना, जो लटकी हुई हैं दिवाली से, अब निकाल के रख दूंगी उनको मैं, तो इसलिए वो पॉलीथीन मैंने ऊपर ही रखी हुई है। मैं कहा जब सारा सामान निकालूंगी ना तो इसमें डाल के फिर रखूंगी दोबारा उसमें बेड में। और ये दोपहर में मैंने कपड़े, क्योंकि कल वीरवार था तो इसलिए कपड़े नहीं धोए थे, इसलिए आज कपड़े धो रही हूँ मैं। तो बस यहाँ पे कपड़े मेरे 1 राउंड हो गए हैं, तो यहाँ फटाफट से कपड़े निकाल लूँगी। दोपहर में मैंने कपड़े धो लिए थे, क्योंकि शाम को देवठान पूजने हैं तो बहुत सारे काम हैं, तो इसलिए मैंने फिर दोपहर में कपड़े धो लिए थे। और खाना आना भी दोपहर में खा लिया था। दोपहर में मैंने खाने पीने की कोई ब्लॉगिंग नहीं की थी, मतलब फिर पराठे वगैरह खाए थे बस मैंने, मम्मी का व्रत था क्योंकि, इसलिए। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं अपने कपड़े निकाल लूँगी, और ऊपर फिर उसके बाद जाऊँगी छत पे सुखाने। धूप आजकल थोड़ी ऐसी ही निकल रही है, आप देख सकते हो ना मौसम, अब ठंडियाँ आ रही हैं तो ऐसे ही मौसम रहेगा, धूप थोड़ी थोड़ी बहुत निकलेगी। और अभी भी धूप थोड़ी बहुत ही निकल रही है। ये मैं सामने वो आंटी के गेहूँ सूख रहे हैं, धूप निकल रही है पर बहुत ज़्यादा नहीं निकल रही। ठीक है, बस फटाफट से अपने कपड़े सुखा लूँगी। और कल का पूरा दिन मेरा बिजी गया, भाग दौड़ भाग दौड़, मतलब ये करना है वो करना है। फिर सामान लेने गई थी पूजा का, ये सब करने के बाद ना, मतलब कपड़े वगैरह धोने के बाद फिर मैं गई थी सामान लेने, ताकि टाइम से सारा काम कर सकूँ। हाँ, काम तो मेरा सब टाइम से हो गया था, खाना भी मेरा बहुत जल्दी बन गया था कल, और जल्दी जल्दी बना लिया था मैंने, क्योंकि फिर देर बहुत हो जाती है, तो मैंने खाना पीना भी जल्दी ही बना लिया था, क्योंकि टाइम से जब सब होता है तो बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरा, ये जो मैं पूजा में रखूँगी ना देवठान पूजा में, वो सामान है, और लव सिंगाड़े हैं, शकरकंदे है, मूली है, और ये गेरू, और ये क्या कहते हैं, और सफ़ेद वाली खड़िया बोलते हैं, हाँ शायद खड़िया बोलते हैं, और कुछ भी बोलते हैं इसको, पर हम लोग खड़िया बोलते हैं। और ये लाल वाला गेरू है, तो बस इसको भिगो के रख दे रही हूँ, जब तक खाना पीना बनाऊँगी ये भीग जाएगा, तो भीग तो ये वैसे 2 मिनट में ही जाता है, आप देख सकते हो। और यहाँ मैंने की थी खीर बना, मखाने की खीर बनाई थी, क्योंकि चावल की नहीं बना सकते थे, एकादशी है,
तो इसलिए पहली बार बना रही हूँ शायद मैं, या फिर दूसरी बार, आई थिंक शायद दूसरी बार बना रही हूँ। तो यह मैं हल्के से इन्हें, आप यहाँ पे घी डाल सकते हो फ्राई करने के लिए, बट मैंने घी नहीं डाला था, मैंने ऐसे ही फ्राई कर लिए, थोड़े क्रिस्पी से कर लिए इनको। वैसे ये ठंडे हैं, ज़्यादा गर्म ही नहीं है, ये देख रहे हो हाथ लगा रही हूँ मैं, ठंडे ही हैं। तो फिर इनको अब इनको पीस के, वैसे मैंने गलती कर दी, मुझे पीसने नहीं थे, मेरे को ऐसे ही डालने थे, क्योंकि पहले वाले मेरे, जब मैं एक बार बनाई थी ना, तो मेरे पहले वाले वो ख़राब आ गए थे, क्या कहते हैं, मखाने। लेकिन ये वाले मखाने अच्छे थे, तो ये ऐसे ही घुल रहे थे, मुझे पीसने की ज़रूरत नहीं थी वैसे, बट कोई नहीं, पीस लिए मैंने। और फिर मैंने डाल दिए थे मखाने, थोड़े मुँह में आते हैं ना बनाते वक्त, तो ज़्यादा वो खाते वक्त तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ मेरी खीर आधी आधा आधे से ज़्यादा पकी गई है, तब उसके बाद मैंने डाली है यहाँ पे चीनी। अब इसको चीनी डाल के अच्छे से थोड़ी देर पकाएंगे। और ये मेरे ड्राई फ्रूट्स भी हैं, काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता थोड़ा सा, तो बस इनको अभी काट के रख दिए, जब तक चीनी पकेगी उसके बाद डालूँगी इसमें। और वो मैंने डाल दिया, मखाने तो डाल चुकी हूँ, तब तक इनको थोड़ी सी गाढ़ी होने देंगे खीर को। और ये मेरी खीर पक गई थी, इसके बाद मैंने डाले थे थोड़ी देर में वो पिस्ता, वो मतलब ड्राई फ्रूट्स डाले थे उसके बाद मैंने। अब इसको थोड़ी देर मतलब अच्छे से और पकाएंगे, उसके बाद इसमें मैं इलायची मैंने बाद में डाली थी, मैं भूल गई थी दिखाने, और मैंने केवड़ा जल डाला था। और ये मेरा खाना बन चुका है पूरा, कुट्टू का आटे की पूरियाँ, आलू की सब्ज़ी और खीर। ये मम्मी कन्हैया को भोग लगा रही है, क्योंकि मम्मी का व्रत खोलने का टाइम भी हो रहा है, तो व्रत खोलेंगी वो, पहले मम्मी मन का आप भोग लगा दो, तब तक मैं अपना वो वाला काम कर लेती हूँ। ये मैं बना रही थी तो मम्मी भोग लगा रही थी, क्योंकि मम्मी को भी भूख लग रही है, सुबह से भूखी हैं वो। तो फिर मैंने ये, मम्मी ने अपना व्रत खोल लिया था, फिर मैंने ये करा था अपना, मैं ये कर रही थी। और ये मैं बना रही हूँ अपने देव बना रही हूँ। मेरे को ज़्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं आती, आप देख सकते हैं, मेरे से लाइन भी सीधी नहीं खींचती, मतलब ड्राइंग इतनी बेकार है ना मेरी, बस ठीक है। कोशिश कर रही थी बनाने की, कैसे भी बन जाए, क्योंकि पूजा करनी है तो इसलिए। तो आप देख सकते हो कुछ कुछ ऐसे ही बना रही हूँ, और थोड़ा बहुत मैंने देख के भी बनाया है, क्योंकि मैंने कभी बनाया नहीं है, शादी से पहले नहीं बनाए, मम्मी ने ही बनाए हैं बस, मतलब हमारी मम्मी घर पे मम्मी ही बनाती थी, हम लोग नहीं बनाते ये सब। तो बस शादी के बाद तब सब कुछ करना पड़ता है, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर आ जाती है, शादी के बाद लाइफ बदल जाती है। तो बस यही है, यह मैं आपको दिखा रही हूँ, और थोड़ा सा ट्राइपॉड नहीं है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा दिखाने में भी हो रही है, थोड़ा कैमरा इधर उधर शेक हो रहा होगा तो माफ़ कर देना। बस ऐसे डिज़ाइन बना के आप देख सकते हो। और ये, और मेरे इसमें रुई भी नहीं थी इसमें ना, ये मैंने कलावा बांधा हुआ है, कॉटन भी ख़त्म हो गया, मंगाई थी इनसे, फिर ये आए थे लेट लेके आए थे, तो ये मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन, ये फाइनल मैंने ऐसे बनाया। और ये सब बनाते हुए नहीं दिखा पाई, इसके लिए सॉरी, ये मैंने बस ऐसे ही बनाया, बाद में दिखाया मैंने आपको, क्योंकि ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है जो मैं दिखा सकूँ, ठीक है, ऐसे बना लिया, काम चलाऊँ मैंने। और यहाँ पे ये अंदर बन गया मेरा सब कुछ, तो यहाँ पे फिर मैं ये मेन दरवाजे पे भी पैर वगैरह बनाते हैं, पर मैंने ज़्यादा नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पे चप्पल वगैरह रखी रहती है, इसलिए फिर कंफर्टेबल नहीं फील होता। मैंने ये एक ही मतलब एक जोड़ी पैर बनाए, बाकी पैर मैंने वहाँ बनाए, वहीं पर जहाँ देव बनाए ना वहीं पर बनाए। तो यहाँ मैंने बस कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बना दिया, और बस इसमें डॉट डॉट, और ये थ्री डॉट वाली डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये मेरी मम्मी करा करती थी, हम छोटे थे बचपन में, तब देखते थे मम्मी कैसे कर रही है, फिर मेरे को भी आ गया, तो मैं ये करती थी शादी से पहले, बस मुझे ये डॉट डॉट बनाना अच्छा लगता था, तो बहुत करती थी, मैंने कहा मम्मी मैं करूँगी तो ये वाला डिज़ाइन मैं बनाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है वाइट और रेड कलर का, जब बनाऊँगी तो और खिल के आएगा, देखना आप। और हम अभी तो पक्के मकान हो गए हैं, लेकिन जब कच्चे मकान होते हैं ना, लिपे पुते मकान, उनमें बहुत ज़्यादा ये डिज़ाइन उभर के आता है, एकदम खिल के आता है ये डिज़ाइन ना यहाँ। फ्रेंड्स, और अभी टाइम हो रहा है रात के 8:20 हो रहे हैं, तो ना रुको ना, क्या चाहिए मम्मा को बात, तो एक मिनट। तो मैंने अपने वो जो देवथान के जो चित्र होते हैं, देवथान मतलब वो बना लिए हैं, तो ये देखो, मेरे को ना देखो ड्राइंग नहीं आती फ्रेंड्स, मैंने फिर भी कोशिश करी है बनाने की, एक मिनट, तो मेरे को बनाने नहीं आता, मैं शादी के बाद ही शुरू करें बनाने। और ये मैंने कुछ ऐसे बनाए, और थोड़ा सा सच बताऊँ तो मैंने थोड़ा देख के बनाया इसलिए। और ये मैंने पैर बनाया पूरी फैमिली के, और ये मैंने ना पैर के अंदर कलर भरने की, और ये वाइट वाली वो खड़ी होती है ना, वो भरने की कोशिश करी थी,
लेकिन अच्छी फिनिशिंग हो नहीं रही तो मैंने भरा नहीं, एक ही में छड़ दिया भर के। और ये गाय माता के पैर हैं, ये बछड़े के, मतलब ऐसे पैर बनाते हैं गऊ माता के, उसमें भी बना रखे हैं मैंने। एक तो दीवार भी थोड़ी खराब, मतलब ऐसी है, थोड़ी सी वो सीलन रहती है ना दीवार पे, तो बस मैंने कुछ ऐसे बनाए हैं। वो सीढ़ी बनाई है, ये तुलसी माता बनाई है, गणपति बप्पा मैंने बनाए हैं। ये देखो मेरे को आते नहीं है ना बनाने, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, तो बस ऐसे ही बना लिए जैसे आते हैं, जैसे भगवान ने बनवा लिए। तो ठीक है, पूजा करनी है तो बनाना भी ज़रूरी था। और ये माया चक्र कहते हैं ना मम्मी, ये जो गोल गोल होता है, ये कहते हैं जो पूरी सृष्टि अपने इन्हीं से चल रही है, तो ये माया चक्र है भगवान जी का, तो ये माया चक्र। और दीप वगैरह, स्वास्तिक वगैरह, बस यही बनाया है। और चांद सूरज बनाए हैं बस, मेरे को इतना ही आता है, ऐसे ही आता है, मैंने बना लिया। ठीक है, आप बना लिया, आप पूजा करेंगे, मतलब यहाँ पे वो रखेंगे, तो चलिए पूजा वूजा कर लेते हैं। और मैंने बाहर भी डिज़ाइन बनाई है, ऐसी डिज़ाइन बनाई है, तो कैसे लग रहे हैं मेरे देव, तो बताना कमेंट करके। तो चलिए अब पूजा की तैयारी करते हैं, और अब बाद में मिलते हैं आपसे, बाय। और खाना मेरा बन चुका है, खाना मेरा बन गया था वैसे 6:30 बजे, 6:30 6:35 पर पूरा खाना बन गया था, लेकिन इस तो ये बनाने में टाइम लग गया मेरे को, तो चलिए अब बाद में मिलते हैं। और ये आ गई उन्नति करने मेरे को, बाय। और यहाँ पे मेरा ये सब डिज़ाइन बन गया था, मतलब सॉरी डिज़ाइन, मतलब सब चीज़ें बन गई थी, सबके पैर बना दिए थे मैंने, पूरी फैमिली के, इन दोनों भाइयों के, छोटी छोटी दो गुड़ियाओं के, मेरे मम्मी के, दीदी के, सबके पैर बना दिए मैंने पूरी फैमिली के। और उसके बाद यहाँ पे मैंने वो गोल चक्र था ना, उस पर मैंने रखा था गेहूँ, उसके बाद ये रखी थी प्लेट मैंने, ये स्वास्तिक बना के प्लेट पे, और ये जो ये सामान था ना पूजा का, सारा सामान उस पर रख देंगे ऐसे, और ये मूली वगैरह, शकरकंदी, जितना भी सामान है, और आप कुछ भी रख सकते हो, आप ये आपकी इच्छा है, जो सीज़न का फल कुछ भी हो, कुछ भी जो सीज़न के फल, तो अभी सिंगाड़ा है सीज़न का, तो ये सिंगाड़े भी मैं रख दूँगी इधर, सिंगाड़े रख दिए, सारी चीज़ें रख दूँगी। और बस ऐसे ही होते हैं, ये मूँगफली रख दी है मैंने। और आपके यहाँ कैसे होता है प्लीज़ कमेंट करके बताना, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, तो हम ऐसे ही करते हैं, हमारी मम्मी वगैरह, मतलब हमारे मायके में भी ऐसे ही होता है। यहाँ मैंने थोड़ा सा गेहूँ रख दिए हैं अनाज, और यहाँ मैंने थोड़ा सा अनाज रख के उस पर छोटी सी लुटिया पानी की, ये मैंने तुलसी पत्र रखा है, तो आप भी प्लीज़ जब कुछ भी भोग लगाते तो तुलसी पत्र। और यहाँ मैंने क्या कहते हैं दक्षिणा रख दी है 21 रुपये, आप अपनी इच्छा से जितना मर्जी रख सकते हैं। रुई रख दिया कॉटन, और गजक रखी थी मैंने, गजक मंगा ली थी इनसे, तो ये मैं इसके बाद ढक देंगे इनको, और उसके बाद अब इनको देव को उठाएंगे। यहाँ पे दिया मैंने अंदर रखा था, फिर मैंने बाहर निकाल लिया। देव बैठो, देव उंगलियाँ चटकाओ, देव नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। उठो देव बैठो, देव उंगलियाँ चटकाओ, देव नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। उठो देव बैठो, देव उंगलियाँ चटकाओ, देव नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। उठो देव, साकल है क्या? हाँ, 3 बार हो गया। हाँ, उठो देव बैठो, देव उंगलियाँ चटकाओ, देव चल उठो देव बैठो, देव उंगलियाँ चटकाओ, देव नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। उठो देव बैठो, देव उंगलियाँ चटकाओ, देव नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। उठो देव बैठो, देव उंगलियाँ चटकाओ, देव नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। उठो देव बैठो, देव उंगलियाँ चटकाओ, देव नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। हो गए साथ, तो दोनों सास बहू उठा रही हैं देव को, और देव को मिलके। और ये मैं पैर दिखा रही थी, ये देखो, ये मतलब दो पैर उधर है, मतलब पूरी फैमिली के, ये मम्मी के, ये गौ माता के भी बनाए थे। और ये मैंने, और ये दो इधर, ये दो इधर, चार मतलब अंजू दीदी के, मेरे, और
अमित जी के और हमारे पति देव के, ये हमारी दोनों गुड़ियाओं के पैर हैं, ये देख रहे हो मैं दिखा रही हूँ, दो छोटे छोटे बनाए थे मैंने इनके, तो ये इनके ये दो पैर हैं, दो इधर हैं और इधर हैं, ये मम्मी के, तो ये दिखा रही हूँ मैं आपको। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।